हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आइए। तो आज बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आप ही लोगों के कहने पर स्टार्ट किया जा रहा है। हमने वोटिंग कराई थी कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में संधारित्र या फिर चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर आपको कैपेसिटर। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने 73% लोगों ने आपने वोट किया था कि आपको कैपेसिटर वाला चैप्टर पहले पढ़ना है। तो इसीलिए आज जो चैप्टर जो आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा कैपेसिटर। जो चैप्टर है इसका नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, स्थिर विद्युतिकी और धारिता। इसको कहते हैं हिंदी में स्थिर विद्युतिकी और इसको कहते हैं धारिता। तो जो लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, और जितने लोग ऑनलाइन आ चुके हैं वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम लोग ने डीसी सर्किट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और अब बारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस की, स्थिर विद्युतिकी और धारिता की। तो इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है आपका कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कूलॉम के स्थिर विद्युतिकी का नियम, कूलॉम के स्थिर विद्युतिकी का नियम। तो इस लॉ के बारे में बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है। यहाँ पे क्या है आपका कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम ने कहा था, कूलॉम ने सबसे पहले आपके दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। कूलॉम ने दो नियम दिए थे, कूलॉम ने स्थिर विद्युतिकी के दो नियम दिए थे। पहला नियम क्या था, पहला नियम था कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच, पहला नियम था आपका लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दो समान चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये था आपका पहला नियम। पहला नियम क्या था, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, समान चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अपोजिट चार्जेस जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी अट्रैक्ट करेंगे। ये था आपका कूलॉम के स्थिर विद्युतिकी का पहला नियम, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कि दो लाइक चार्जेस, दो समान चार्जेस एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और दो असमान चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बारी है इसके सेकंड लॉ की। कूलॉम ने जो सेकंड लॉ दिया था, कूलॉम का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि यदि हम किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस को, यदि हम किन्हीं दो बिंदु आवेश को जो कि Q1 और Q2 हो और इनको d दूरी पर रख दें, यदि कोई दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 को d दूरी पर रखा जाए तो उनके ऊपर एक बल लगेगा, वो एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाएंगे। ये बल क्या होगा, ये बल दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो बल है ये समानुपाती होगा दोनों के आवेशों के और अनुक्रमानुपाती होगा दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली पोर्शनल है Q1 Q2 के और इन्वर्सली पोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के यानी d की स्क्वायर के। तो अगर इसको हम एक साथ लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, F इज डायरेक्टली पोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। F इज डायरेक्टली पोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, d यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी है। अब आपको पता है कि ये है आपका एक प्रोपोर्शनल का साइन, ये है आपका एक समानुपाती का साइन, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट है आपका k, f बराबर k q1 q2 अपॉन d स्क्वायर। ये आई आपकी
जो कूलॉम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम दिया था उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स है, विद्युत स्थिर विद्युतिकी का जो बल है, उसकी इक्वेशन आपकी आ गई एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ के क्या है, के एक कॉन्स्टेंट है, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, के की जो वैल्यू पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो है आपकी 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब इसकी जगह अगर आप यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो आपकी जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर। तो सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है? बहुत इजी है। कूलॉम ने क्या कहा था, कूलॉम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतिकी के दो नियम दिए थे। पहला था आपका लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी समान चार्जेस एक दूसरे को विकर्षित करेंगे और असमान चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरा नियम दिया था कि अगर कोई दो बिंदु आवेश क्यू वन और क्यू टू एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाएँ तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाएंगे, वो आकर्षण बल भी हो सकता है और विकर्षण बल भी हो सकता है। वो बल कैसा होगा, वो बल इन दोनों के चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो लिखा जा सकता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर। तो एफ इज अगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आता है कॉन्स्टेंट, और यहाँ जो कॉन्स्टेंट आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो होगी 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और ये फोर्स है तो फोर्स की क्या यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट होगी आपकी न्यूटन। अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको हिंदी में विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हिंदी में कहें इसको विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत बल रेखा क्या होती है कि किसी भी चार्ज से निकलने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं उसको आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। किसी भी आवेश से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। किसी भी आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा ये जाता है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसमें उसकी दिशा क्या होती है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो आपकी बाहर की तरफ होगी, और अगर यहाँ पे बात करें निगेटिव चार्ज की तो निगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी अंदर की ओर। तो याद आपको ये रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें आपकी बाहर की तरफ डायरेक्शन, और निगेटिव चार्ज में डायरेक्शन आपकी अंदर की ओर होगी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो पाथ है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पथ क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो पथ होता है वो आपका कर्व्ड होता है। दो क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में
जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, जो पाथ है वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो पाथ होता है वो आपका कर्व्ड होता है। कर्व्ड को हिंदी में कहते हैं वक्र। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो पाथ होगा वो आपका होगा कर्व्ड। और पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की हो जाएंगी, नेगेटिव की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपकी अंदर की हो जाएंगी। तो इतना सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? किसी भी पॉइंट चार्ज से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को आप, किसी भी पॉइंट चार्ज से निकलने वाली बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक वो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन आपकी बाहर की ओर होगी, नेगेटिव चार्ज है तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है उसकी डायरेक्शन आपकी अंदर की ओर होगी। बात करें अगर इसके पाथ की तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पाथ जो है वो आपका हमेशा कर्व्ड होता है। कल था आपका 15 अगस्त, और 15 अगस्त को इलेक्ट्रिकल विजन की तरफ से आप लोग के लिए एक ऑफर रखा गया था। उस ऑफर में जो इलेक्ट्रिकल विजन की तरफ से बनाया गया स्टडी मटेरियल है उस पर आप लोग को छूट दी जा रही थी। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसको अपने एड्रेस पर बुक किया है और परचेज़ किया है। तो जिनका भी परचेज़ हुआ है वो परेशान ना हो, आज स्पीड पोस्ट आपका हो चुका है और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो 4 से 5 दिन में आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। बाकी अगर कोई स्टडी मटेरियल लेना चाह रहा है तो वो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपने एड्रेस पे स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग TG2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर JEE की तैयारी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल विजन द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल को अपने एड्रेस पे ज़रूर मंगवाएं। आप इलेक्ट्रिक जो स्टडी मटेरियल है उससे पढ़िए और यहाँ पर जो क्लास चल रही है उसको अटेंड करिए। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों की हेल्प से आपका जो TG2 का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी मंगाना चाहता है इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और काइंडली कॉल ना किया करें फालतू की उसका। अगर आप लोग को कॉल करनी है तो ऐसे टाइम पे कॉल करिए जब इंसान फ्री होता है। आप लोग को बिना कोई समय देखे आप लोग कॉल करने लगते हैं, कभी आप लोग 6 बजे कॉल करते हो, कभी आप लोग रात में 11 बजे कॉल करते हो, ये कोई कॉल करने का समय नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग को कुछ भी अगर जानकारी है चाहिए, कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए, कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप करिए, ना कि आप लोग कॉल करिए। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी पॉइंट चार्ज से निकलने वाली कुल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का योग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कुल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का योग जो कि किसी एक पॉइंट चार्ज से निकल रहा है उसको आप क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? योग है यानी सम है किसका? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। किसका है? ये आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का किसी भी पॉइंट चार्ज से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनके योग को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप दिखाते हैं फाई से। इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी होगी कूलॉम। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत फ्लक्स घनत्व। तो अभी आपने क्या देखा? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी पॉइंट चार्ज से निकलने वाली कुल बल रेखाओं का योग आपका क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? टोटल फ्लक्स जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल से पास हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, विद्युत फ्लक्स घनत्व। इसको आप दिखाते हैं डी से। डी बराबर होता है फाई अपॉन ए। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको आप दिखाते हैं डी से। डी बराबर होता है फाई अपॉन ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से जब गुजरता है तो उसको जो कहते हैं वो आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, विद्युत फ्लक्स घनत्व। इसकी जो इकाई होती है वो होती है आपकी कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई
फर्क क्या है? ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जितनी भी होंगी उनका योग अगर करेंगे तो वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल से गुजर रहा है, पास हो रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसकी यूनिट आपको याद रखनी है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो होगी आपकी कूलॉम। इतना समझ में आ गया सभी को? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझ में आ गया सबको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो कि किसी एक आवेश से निकल रही हैं उसके योग को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इसको दिखाते हैं फाई से, और इसकी यूनिट होती है आपकी कूलॉम। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। कुल विद्युत फ्लक्स जो कि किसी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजर रहा है उसको आप विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसको दिखाते हैं आप डी से। डी बराबर होता है फाई अपॉन ए, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है आपकी कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट है वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है? एक एरिया है। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक क्षेत्रफल है, एक एरिया है जो कि किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड होता है। किसी भी पॉइंट चार्ज, किसी भी बिंदु आवेश के आसपास का वो एरिया, किसी भी बिंदु आवेश के आसपास का वो एरिया जहाँ पर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो अपने ऊपर एक बल महसूस करे, क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक एरिया है जो कि किसी पॉइंट चार्ज के आसपास रहता है जहाँ पर किसी अन्य चार्ज को लाने पर वो अपने ऊपर एक बल महसूस करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका चार्ज क्यू है और ये दूरी आपकी डी है, अगर इस डिस्टेंस में अगर कोई दूसरा चार्ज लाया जाएगा तो ये इसके ऊपर एक बल लगाएगा F। तो ये जो आपका एरिया है ये कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र, और जितना बल लगाएगा उसकी अकॉर्डिंग आप इसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाते हैं आप E से, और E बराबर होता है आपका F अपॉन क्यू। E बराबर आपका होता है F अपॉन क्यू। E है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। F आपने पता था इससे पहले, आपने फॉर्मूला निकाला था। F है यहाँ पे फोर्स जो कि दो चार्जेस के बीच में लगता है, और Q यहाँ पे है चार्ज जो कि आपका जिसके अराउंड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इससे आपको क्या मिला? इससे आपको मिला E यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की इकाई। फोर्स, फोर्स एक बल है, बल की क्या इकाई होती है? वो होती है न्यूटन। और Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है, चार्ज की होती है कूलॉम। तो E की आपकी यूनिट मिल गई E बराबर F अपॉन Q, इसकी जो इकाई हो गई वो हो गई न्यूटन प्रति कूलॉम। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया अभी भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, बस एक एरिया है जो कि किसी भी पॉइंट चार्ज के आसपास होता है जहां पर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो अपने ऊपर एक बल महसूस करता है। मान लीजिए अगर यहां पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, उसके आसपास में कोई एरिया है जिसकी दूरी मान लीजिए पॉइंट चार्ज से आपकी डी है, तो अगर इस दूरी तक कोई दूसरा चार्ज लाया जाता है तो ये इसके ऊपर एक बल लगाएगा F। तो आपको पता है कि E बराबर F अपॉन Q होता है। F यहाँ क्या है? जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। और Q क्या है यहाँ पर? Q वो चार्ज है जो कि आपको बीच में रखा हुआ है। इसकी इकाई क्या हो गई? इसकी इकाई हो गई न्यूटन प्रति कूलॉम। अब बात करें अगर यहाँ पे फोर्स जो आपको दिया है, जो आपको बल दिया हुआ है, इसकी अगर वैल्यू रख दी जाए, इसकी अगर वैल्यू रखें, आपने F की वैल्यू क्या निकाली थी? F की वैल्यू आपने निकाली थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर।
जो आपने अभी कूलॉम के नियम के अनुसार जो आपने वैल्यू निकाली है एफ की, वो ये निकाली है 1/4 πε0 q1 q2 / d2। तो अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों चार्जेस सेम हैं, अगर यहाँ पे हम लोग मान लें कि दोनों चार्जेस आपके सेम हैं, तो अगर इस वैल्यू को हम लोग एफ की जगह रखेंगे तो हमें मिलेगा ई बराबर 1/4 πε0 q/d2। ये है आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये है आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता। दोनों ही जो आपकी कंडीशन है, दोनों ही फॉर्मूलेज हैं, दोनों ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हैं। फ़र्क क्या रहेगा कि इन दोनों पर आपको न्यूमेरिकल्स तो देखने को मिलेंगे ही, फ़र्क बस इतना है कि जब आपको फोर्स दिया हो और आपको चार्ज दिया हो और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी हो, तब आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, और अगर आपको चार्ज दिया हुआ है और उसकी दूरी दी हुई है कि इतनी दूरी तक आपको निकालना है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों की जो यूनिट है वह आपकी न्यूटन प्रति कूलॉम रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, क्योंकि ये जो क्लास चलाई जा रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है और आप ही लोगों के लिए चलाई जा रही है। तो अगर आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं करेंगे, तो इस क्लास को चलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है, आप लोग सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच ही सके। तब तक के लिए गुड नाइट, प्रिपेयर वेल, बाय।